थोड़ा सा सब कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे से क्या शर्माना। आ जाओ इसलिए ग्रीन भी नहीं है और इस पूरे एरिए में नहीं। हमने भी प्रोजेक्ट शुरू किया है एक्टिविटी का, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, कैमरा मैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी। आज मौजूद है असगर माल यूनियन काउंसिल नंबर 34 और आज यहाँ पर मेरे साथ एक बार फिर शामिल हैं मेरे दोस्त रामिस शाह। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आज ये कौन सा कारनामा सर अंजाम देने लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम रामिस। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं इस गली को देख रहा हूँ, काफ़ी गमले वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी कर रहे हैं। क्या अगराज व मकासद हैं आपके, आपकी तंजीम के, और आज इस गली को खूबसूरत बनाने में क्या करने लगे मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, प्लांटेशन का आपको पता है बहुत टाइम से आगाज़ हो चुका है और बहुत अच्छे लेवल पे प्लांटेशन हो भी रही है नेशनल लेवल पे, लेकिन एक कंसर्न ये था कि जब तक इन पौधों को आप लोगों के डोर स्टेप पर नहीं लेके आएंगे, अवेयरनेस उस तरह से स्प्रेड नहीं होगी। तो ये एक कोशिश थी हमारी कि डोर स्टेप पे लोगों के लेके आएं और उनको इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करें कि अब आप इनका ख्याल रखें, उनको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर आपके घर के आगे दो तीन पौधे लगे होंगे तो कितनी खूबसूरती आ जाएगी। बाकी पौधों के जितने फ़ायदे हैं वो आप सबको पता ही है। तो एक छोटी सी कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तआवुन हुआ हमारे साथ मोहल्ले के लोगों की तरफ से भी, उसके साथ ख़ास तौर पे जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने ये रिक्वेस्ट की ख़ास तौर पर कि सर हमें आप थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट 5 डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स में करना चाहते हैं एक अवेयरनेस के लिए, और इस पे उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। मैं DFO का शुक्रगुजार हूँ, मैं आबिद गोंदल साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को वो किया। V4 सिल्वर लाइन्स ये क्या है? सिल्वर लाइनर्स क्लब बेसिकली हमारा एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, हमने 2014 में स्टार्ट की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से, और V4 को आप उसी का एक सब पार्ट कह लें जो इसकी एक्सटेंशन है, जिसमें हमारी हमारा आइडिया ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके काम किया जाए। और हमें नज़र आता है कि हमारी आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक वाज़े गैप है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें उस तरह से हो नहीं पाती। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि बेहतरी आए, काम होना चाहिए, आवाम में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि बेहतरी आए, काम होना चाहिए, लेकिन एक गैप है जिसकी वजह से हम करीब नहीं आ पा रहे थे। तो V4 का जो कंसेप्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स और सामने लेके आना था जो इस गैप को पूरा करे। हमने इसका फरवरी में स्टार्ट किया, उसके बाद एक नेशनल लेवल पे भी एक फोर्स इसी तरह की लॉन्च हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरह ग्रीन स्ट्रीट कैंपेन है, डॉग्स का TNR प्रोग्राम। कमिश्नर रावलपिंडी उसामा दस्तगीर मलक, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम उसामा। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, आज आप यहाँ पे असगर माल ग्रीन लाइन का एक इन्होंने इफ्तिताह किया है आपके दस्ते मुबारक से, कितना लोगों में ये है जज्बा कि वो अपने इलाके को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएं? माशाल्लाह मुझे इधर आके बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया। दूसरा ये कि पिंडी में जस्ट लाइक लाहौर काफ़ी सारे इस तरह के हिस्टोरिकल मकाम हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं 100 साल पुराना घर है, इस तरह के मकाम मौजूद हैं। लेकिन ये है कि अब वॉलंटियर फोर्स कम है, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी ह्यूमन रिसोर्स कम होती है, जिसकी वजह से इस तरह से मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से आपने एक स्ट्रीट से स्टार्ट किया, इधर UC 37 है ये, और इंशाल्लाह इसके बाद भाई बता रहे थे कि UC 5 में भी जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इंतज़ामिया कितना साथ दे रही है इन नौजवान नस्ल का? देखिए अभी मेरी बात हुई है, वो कह रहे थे हमें स्पोर्ट्स और फॉरेस्ट से ही हेल्प रिक्वायर्ड थी, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत हेल्प की है इस बारे में। आपको जो चीज़ इस तरह के कामों में रिक्वायर्ड है, हम तो बैठे होते हैं कि हमने दफ्तर के काम के साथ साथ आपको इस तरह के नए इनिशिएटिव लिए जाएं, और आप आए इंशाल्लाह हम आपको ब्लाइज करेंगे आपकी बात। बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू वेरी मच। सलाम। नाज़रीन जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर आदल, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। वालेकुम सलाम। तैमूर, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, आपने आगे भी जाना है। नौजवान नस्ल आप जैसी है, इनमें एक जज्बा है, हिम्मत है काम करने की, इंतज़ामिया कितना साथ दे रही है इनका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो लोग यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंतज़ामिया बिल्कुल साथ दे रही है, हम लोग इनके साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह ये V4 है,
जैसे कि आपको पता है डीसी साहब के इनिशिएटिव भी इनके साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर इसी तरह जितने एंथुजियास्टिक नौजवान हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। तैमूर, आप नहीं समझते कि महीने में एक बार ऐसी जो एनजीओज़ हैं, ऐसी जो तंजीमें हैं जो काम करना चाहती हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इनके साथ गेट टुगेदर किया जाए, इनसे इनके मसाइल पूछे जाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह इस एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और अभी तक हमारा इंशाल्लाह अक्टूबर में एक बहुत ग्रैंड प्रोग्राम होने वाला है फवारा चौक में और कमर्शियल मार्केट में, जिसके अंदर हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेट और पब्लिक डोमेन के उनको हम साथ लेके चलेंगे। इनमें साइकिलिंग क्लब्स हैं, इसमें योगा क्लब्स हैं, इसमें यूथ की मूवमेंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट आप खुद देखेंगे। और पिंडी का ये अलमिया रहा है कि पिंडी में क्योंकि एक छाप है कि यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा इस तरह के एक्टिविटीज़ में नहीं आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं 2 महीने से, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लोग आ रहे हैं, तो अक्टूबर में इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया तैमूर, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर यासर मसूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप रावलपिंडी को मज़ीद खूबसूरत बनाने में आप अपना अहम करदार अदा करें। कैसा लगा आज असगर माल आने में? मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पर ऐसे एरिया में कि जहाँ पर शायद सॉइल तो इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी जो यूथ है उन्होंने गमले लगा के यहाँ पे इस एरिया को ग्रीन करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी एफर्ट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान। आने वाले वक्त में इनका साथ इसी तरह भरपूर अंदाज से करेंगे आप? जी इंशाल्लाह ताला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमेशा ये, हम लोग कमिटेड हैं कि हमने पाकिस्तान को ग्रीन करना है और प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं और अब सिटीज़ के अंदर भी हमने अभी V4 से हमारे साथ रब्ता किया, तो हमने उनको ये प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही हम उनके साथ तआवुन करते रहेंगे और इंशाल्लाह रावलपिंडी को ग्रीन करेंगे। बहुत शुक्रिया यासर।